हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि है बीटा थैलेसीमिया माइनर होम ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, ये बताने के पहले कि जो बीटा थैलेसीमिया माइनर का जो होम ट्रीटमेंट वो क्या है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बीटा थैलेसीमिया है क्या। अगर तो जो मेरे चैनल पे सर्च करके वीडियो पे आए हैं कि बीटा थैलेसीमिया माइनर का जो होम ट्रीटमेंट है, उनको तो पहले ही उन्होंने टेस्ट वगैरह कराए होंगे, उनको तो पहले ही पता लग गया होगा कि उनका जो बच्चा है या मेल है या फीमेल है, उनको जो बीटा थैलेसीमिया माइनर है। लेकिन पहले भी उनके जो नॉलेज के लिए या जो मेरे न्यू कस्टमर्स हैं या न्यू यो पेशेंट्स हैं, उनको बता लूँ कि ये बीटा थैलेसीमिया माइनर है क्या। देखिए फ्रेंड, ये जो कि जब भी इंसान शादी करता है तो नेचुरली सबको पता है ये वो शादी होती है दो के बीच में होती है, एक होता है मेल होता है और एक होती है फीमेल होती है, ठीक है। दोनों में आपस में हम शादी कर लेते हैं, लेकिन ये बीटा थैलेसीमिया माइनर क्या होता है, ये एक डेड जीन होता है जो शादी से पहले मेल में भी हो सकता है बीटा थैलेसीमिया माइनर, और बीटा थैलेसीमिया माइनर फीमेल को भी हो सकता है। ये भी जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको ही बीटा थैलेसीमिया माइनर होगा, ये मतलब किसी को बीच में हजार में से आप कोई एक लेके चलो, उन्हें बीटा थैलेसीमिया जो सर्वे किया गया है कि उनको बीटा थैलेसीमिया माइनर होता है। देखिए, अगर शादी हो गई, मेल को भी बीटा थैलेसीमिया माइनर है और फीमेल को भी बीटा थैलेसीमिया माइनर है, जो कि बिल्कुल माइनर चांसेस हैं कि दोनों को ही बीटा थैलेसीमिया माइनर होगा। भगवान ना करे कि क्या होता है कि ये एक डेड जीन होता है, दोनों ही हेल्थी लाइफ जी रहे होते हैं, मेल भी हेल्थी लाइफ जी रहा होता है, फीमेल है वो भी हेल्थी लाइफ जी रही होती है। लेकिन क्या होता है कि जब उन दोनों में शादी हो जाती है तो क्या होता है कि जब उनके जीन्स मिक्स होते हैं आपस में, तो उससे क्या होता है कि जो बेबी होती है वो बीटा थैलेसीमिया मेजर हो जाती है, जो कि बहुत ही एक घातक बीमारी है। उसमें क्या होता है कि आपको मैं बता दूं, उसमें क्या है कि 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जो बच्चा होगा उनको ब्लड चलाना पड़ेगा। लेकिन ये जो चांसेस हैं बड़े ही मिन्यूटली हैं, होते हैं कि दोनों को ही बीटा थैलेसीमिया माइनर होगा। ये तो हमारे इंडिया में अभी शादी से पहले क्या करते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में क्या है, यूके यूएसए वगैरह में, वहाँ शादी के पहले जहाँ में तो चलन है कि ये हॉर्स को मैच करते हैं, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पे हॉर्स को मैच नहीं करते, वहाँ पहले ब्लड का टेस्ट कराते हैं। ये जो इसमें क्या होता है कि देखते हैं कि मेल को या फीमेल को बीटा थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है दोनों में किसी को, अगर होता है, अगर एक पार्टनर को है तो वो शादी के लिए कर लेते हैं, मतलब गो फॉर डेट मैरिज। अगर दोनों को ही बीटा थैलेसीमिया माइनर है तो वो जो अपनी शादी है वो कैंसिल कर देते हैं, शादी नहीं करते। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में अभी इतनी नॉलेज नहीं होने की वजह से, अभी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को नॉलेज हो रही है, तो अभी इंडिया में भी ये हो गया है कि दोनों अब शादी से पहले ही मतलब टेस्ट करवा लेते हैं कि बोथ जो पेरेंट्स हैं वो बीटा थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। अब मैं अपने जो मेन जो टॉपिक पे उस पर आता हूँ कि क्या होता है बीटा थैलेसीमिया माइनर, ये कैसे होता है कि अगर एक पार्टनर नॉर्मल है और एक पार्टनर को डेड जीन उसकी बॉडी में है, उसको पता नहीं है, तो उन्होंने शादी कर ली आपस में, उनकी जो बेबी होती है उसके 10% चांसेस होते हैं उसकी बेबी भी जो होगी बीटा थैलेसीमिया माइनर हो सकती है। ये कोई इतनी घातक बीमारी नहीं है, इसमें क्या है कि हेल्थी लाइफस्टाइल इंसान तो जीता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ मल्टीविटामिन्स या होम ट्रीटमेंट अगर वो इंसान घर पे अगर कर लेगा तो उससे क्या होता है कि जो 35 तक तो इतनी परेशानी नहीं होती इनको, ये होते हैं बीटा थैलेसीमिया माइनर, जब जैसे ही उनकी एज 35 से अबव होती है तो उनको क्या होता है, उनको कुछ मल्टीविटामिन या होम ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जो कि मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए। फ्रेंड्स, अगर आप कोई टेस्ट करवा रहे हैं आपके बच्चे को या किसी को भी बीटा थैलेसीमिया माइनर है, तो उनको क्या करना चाहिए, मेरी तरफ से उनको कुछ टेस्ट रिकमेंडेड हैं। अगर वो टेस्ट नहीं भी कराएं, अगर टेस्ट करा लें तो अच्छा है, वो मैं टेस्ट बता देता हूँ कौन कौन से हैं। आयरन टेस्ट कराना है उनको, एक ब्लड का, एक B12 टेस्ट कराना है, एक D3 टेस्ट कराना है, और एक फोलवाइट टेस्ट करवा लें वो, और एक मैग्नीशियम ब्लड का, और एक पोटेशियम।
क्योंकि देखा गया है जो बीटा थैलेसीमिया माइनर है उनमें मैग्नीशियम लेवल है वो लो रहता है, पोटेशियम लेवल भी लो रहता है और B12 लेवल भी लो रहता है, और जो विटामिन B12 लेवल है वो भी लो रहता है, और जो आयरन है आयरन इनको अननेसेसरली जो बीटा थैलेसीमिया माइनर है मतलब बहुत ही किसी के पास बहुत चले जाते हैं तो वो क्या कर देखता है कि अनिमिक है बच्चा या जो बड़ा है वो अनिमिक है, वो क्या करता है कि वो आयरन प्रिस्क्राइब कर देता है कि आप आयरन खाइए। लेकिन जो बीटा थैलेसीमिया माइनर है उनको आयरन का जो ब्लड टेस्ट किए बिना कभी भी जो आयरन सप्लीमेंट नहीं लेना है, अगर उनका आयरन लेवल वो ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं अगर लो है तो तब वो आयरन सप्लीमेंट ले सकते हैं। लेकिन जो बीटा थैलेसीमिया माइनर में जो कम रहते हैं वो है B12 लेवल, B12 विटामिन B12 लेवल, तो विटामिन B12 और बी कम्प्लेक्स या विटामिन D3 हो गया, ये अगर मल्टीविटामिन वो ले लेंगे तो अगर उनकी बॉडी में ज़्यादा भी होगा तो क्या होगा, यूरिन की तरह यूरिन से वो पास आउट हो जाएगा, यानी जितनी बॉडी को चाहिए होगा वो लेगा और बाकी क्या होगा बाकी बॉडी से निकल जाएगा। फ्रेंड्स होप कर रहा हूँ जो मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ लग रहा होगा, अगर अच्छे से समझ लग रहा होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। तो मैं आपको होम ट्रीटमेंट के जो मेरा मेन टॉपिक है उससे अब उस पर आता हूँ, आपको अगर HP लेवल आपका लो है तो आपको होम ट्रीटमेंट क्या लेना है, आप क्या कीजिए, B12 ब्रोकली जो होती है जिसको हम अमीरों का गोभी भी बोलते हैं, तो ब्रोकली ब्रोकली और जो पालक पालक होता है या हरी सब्जियां होते हैं उनमें B12 भरपूर मात्रा में होता है, अगर वो B12 सप्लीमेंट ले लें तो वेल एंड गुड है, अगर वो नहीं ले सकते हैं अगर उन्हें किसी तरह की टेंशन है कि हमने मल्टीविटामिन नहीं लेनी है तो वो ब्रोकली या हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें, और D3 के लिए मिल्क प्रोडक्ट जिसमें दूध आ गया दही आ गया या पनीर आ गया वो ज़्यादा से ज़्यादा लें, और पोटेशियम और मैग्नीशियम के लिए वो क्या करें उनको अगर बीटा थैलेसीमिया माइनर है तो उनको कोकोनट वाटर जो है वो हफ्ते में एक मर्तबा या दो मर्तबा उनको कोकोनट वाटर लेना ही है। साथ में वो क्या कर सकते हैं होम ट्रीटमेंट जो लौकी है आप गूगल में टाइप कर सकते हैं कि लौकी लौकी क्या चीज़ होती है जो जिसको मतलब घिया बोलते हैं, वो एक फार्म होता है फार्म होती है घिये की लेकिन उसकी जो शेप होती है थोड़ी लंबी तरह की होती है, लौकी का उनको पानी निकाल के बॉयल करके ले छोटे छोटे पीस काट के तो उसका जो पानी है वाटर चीनी में मिक्स करके वीकली वो भी लेना है, उससे उनका पोटेशियम लेवल बॉडी में और मैग्नीशियम लेवल ओके हो जाएगा, और D3 के लिए मैंने बता दिया होम ट्रीटमेंट की चीज़ मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लें, दही लें पनीर लें, और B12 के लिए बॉडी में B12 लो रहता है उसके लिए उनको क्या करना है ब्रोकली या यो ग्रीन जो सब्जियां हैं कड़म हो गया या मतलब हरी सब्जी वो जितनी भरपूर मात्रा से ले लेते हैं उनसे क्या होगा कि उनका जो आयरन लेवल अगर बॉडी में कम है वो नेचुरल आयरन जाएगी, नेचुरल आयरन का बॉडी में कोई भी नुकसान नहीं है, वो सिर्फ मल्टीविटामिन्स नहीं लेनी है हमने आयरन के लिए। फ्रेंड्स होप करता हूँ जो मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से समझ लग रहा होगा, अगर फिर भी अगर नहीं समझ लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपके अगर कोई भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी ही इसकी डिटेलिंग, अगर कोई आपको भी प्रॉब्लम है थैलेसीमिया की वजह से बीटा थैलेसीमिया ट्रेट माइनर मतलब किसी भी तरह की अगर अल्फा थैलेसीमिया है मतलब कोई भी है बीटा थैलेसीमिया मेजर है तो मैं आपके पूरी ही मतलब आपकी हेल्प करूंगा, आपको राय दूंगा कि आपको फर्दर क्या करना चाहिए, इसके लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। फ्रेंड्स होप करता हूँ जो मैंने आपको बताया आपको अच्छे से समझ लग गया होगा, अच्छे से समझ लग गया होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।